यहाँ से जस्ट पास से निकलती है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग आफ्टर वन मंथ। तो अभी मैं वो दिल्ली गुड़गांव भाई के पास में, देखो ये सीसी है, गुड़गांव आया हूँ, कह रहा हूँ मैं दिल्ली गुड़गांव आया। तो आज दिल्ली जा रहे हैं, तो भाई को लगा कि मैंने अभी भाई को बोला कि दिल्ली जा रहे हैं भाई, अंदर तो बाहर तो वो नीचे बैठे हुए बालकनी के लोग, तो बाहर तो ढंग से बनी नहीं है। तो ये भाई का रूम है, भाई अलग तो वो चल रहा है एलविश यादव ब्लॉग। ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको ऊपर से कैसा दिखता है। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स है, मेट्रो निकलती है पास से। तो भाई कुछ ऐसी सी बिल्डिंग है यहाँ पर, ये लिफ्ट, तो फिफ्थ फ्लोर पे है अपना टेरेस। तो बहुत महीने भर बाद ब्लॉग हो रहा है, तो अभी चलते हैं, आप टेरेस दिखाता हूँ मैं सीधा, फिफ्थ फ्लोर है टेरेस। तो ये है टेरेस आगे, ये देखो भाई साफ मस्त जगह, ये देखो मस्त निकल रही है सामने से। देखो ये मेट्रो का है, ये यहाँ से मेट्रो निकलती है और ये पूरे यहाँ तक बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। ये सारी DLF की है, मैं पूछा था भाई से। और ये है नीचे गली, वो सब सामने है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना सामने, ये फ्लैट्स, ये भाई ने बताया 8-8, 9-9 करोड़ के फ्लैट हैं ये, इतने अमीर लोग भी रहते हैं भाई यहाँ पर। ये देखो मेट्रो आई, देखो ये निकली यहाँ से, जस्ट पास से निकलती है। उस लड़के को देखो एस्केलेटर पे भी उतर रहा है भाई, इतनी क्या जल्दी हो रही है तेरे को, तो सीढ़ियों से उतर जाता सीधा ही। और ये सारी DLF की है जितनी भी है ना भाई। ये मेट्रो निकली ना अभी, इसमें से चिंगार कण कण की आवाज आ रही है, इसमें से वापिस आ रही है, मतलब चिं 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 की आवाज आ रही है। और ये देखो ये है नीचे पार्क, तो ये भी DLF, मतलब DLF की इतनी सारी बिल्डिंग्स है ना यहाँ पर, ये DLF, वो DLF, वो DLF, सारी DLF ही DLF है यहाँ पर। और ये बीच में ना एक, ये सामने पुल दिख रहा है आपको, ये वाला ब्रिज सा बना हुआ है, ये हाईवे के बीच से निकलता है, मतलब नीचे हाईवे चल रहा है और उसके ऊपर से ब्रिज निकल रहा है, बहुत तगड़ा ब्रिज। अभी हम निकलेंगे ना बाहर तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो मेरे को एम्बियंस जाना है, क्योंकि एम्बियंस में मैंने कल शर्ट ली थी, तो मैंने कल ब्लॉग किया नहीं था, शर्ट ली थी वो थोड़ी सी भाई को पसंद नहीं आ रही है, तो मैंने कहा चेंज करवा लेंगे उधर, तो 30 दिन का टाइम होता है चेंज कराने का, तो अभी चल के एम्बियंस में चेंज करा देते शर्ट को और नई शर्ट ले आते हैं, नई टी शर्ट ले आते हैं। तो चलो नीचे चलते हैं और थोड़ी देर में नहा धो के फिर सीधा निकलेंगे बाहर एम्बियंस, और फिर सीधा निकलेंगे दिल्ली स्मार्टी बॉय। भाई नहा धो के आ चुका हूँ मैं, और देखो पहले कटिंग करा के आया था बीकानेर से, तगड़ी कटिंग हो रखी है ना, कटिंग देखो है ना, बस यहाँ पे कंघी ही नहीं है ना कंघी रखी भी नहीं है भाई ने, तो हाथ से ही कंघी करनी पड़ रही है, हाथ से ही कंघी हो रही है। अब बस थोड़ी देर में निकलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं बाहर का क्या माहौल है। तो ये आज की ड्रेस, और नीचे जूते जूते ये जूते, वैसे तो मैं एक ही जूते लाया था साथ में, ये A6 वाले, ये साथ अच्छे नहीं लगते तो मैंने ये पहन लिए। भाई इसको बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा, बंद कर दो। तो चलो सीधा बाहर निकलते हैं, ऊबर बुक कर दोगे भाई? तो भाई एम्बियंस पहुंच गए हम चेंज कराने के लिए,
अभी चेकिंग हुई पहले। कल पहले पे थे दूसरे पे थे? दूसरे पे थे हाँ, तो पहले पे क्यों पाई है ये तो रह जा रहा। तो भाई देखो ये एक्सचेंज मिली है, ये ऐसी मुझे लग रहा है भाई चेंज करा लिया है वहाँ से, ये रहा पीछे बैग में डाल दिया, बड़े से छोटा थैला कर दिया। बैग कहाँ निकलना है? मेट्रो स्टेशन यहीं है के पास में। तो ऐसा है एम्बियंस। तू नहीं दिखाएगा तो पता होता है, बिकने वालों को नहीं पता। भाई थोड़े अलग से लोग भी दिखे मेरे को यहाँ पर, ये देखो वो अंदर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ के। आप बताओ 3987 कौन सी है? तो भाई आ गई अपनी कैब। अपन को भी लाइन में चेंज करनी पड़ेगी, ब्लू रेड और येलो लाइन पे ही है सीधी। आधा पूरा घंटा गया है ना? सवा घंटा मेट्रो में बैठना है आज। बैठने की भी जरूरत नहीं है क्या? पक्का नहीं है सीट मिलती है? हाँ भाई आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन। अब जाएंगे दिल्ली मेट्रो पकड़ के। मेट्रो स्टेशन में तलाव है बनाना। यहाँ क्यों मना करेंगे भाई लोग? This station is Qutub Minar. भाई रिक्शा में बैठ चुके हैं, रिक्शा चांदी इधर खाली बावरी। भाई चांदनी चौक जैसे ही है खाली बावरी अलग क्या? ओ ये रहेगा अंदर चांदनी चौक। तीन दिन का ट्रिप, दो दिन हो चुके हैं मेरे को, कल का लास्ट सैटरडे को निकल जाऊंगा। भाई अब बाइक कारें वारे अलाउ नहीं है अभी। ड्राई फ्रूट है सामने, ये सारा ड्राई फ्रूट यहीं से लेना है। ड्राई फ्रूट की शॉपिंग हो चुकी है, चले भाई रजौड़ी है। बहुत दूर है भाई। कितना दूर है? 7 किलोमीटर है यहाँ से। 7 किलोमीटर दूर होता है? तो भाई ड्राई फ्रूट लेकर मम्मी भाई टेटा क्यों है ये उल्टा घुमा हुआ? देखो नीचे आ रहा। तो ये रहा चांदनी चौक। भाई चांदनी चौक है ये क्या है?
चांदनी चौक ही है, चांदनी चौक से फतेहपुरी वो क्या था, कौन सा मार्केट था वो? हरी बाबरी होगी खत्म उधर, उधर है वो, उस तरफ है अपने स्टार्टिंग से। अच्छा पिज्जा आ चुका है चांदनी चौक, अब थोड़ी देर में निकले हैं घर पे। ग्रोसर इसमें डाल दिया जी रहा जेब में, वो आ गई भाई। तो भाई वापस निकल रहे हैं गुड़गांव के लिए, बस घंटे भर का काम था यहाँ पर। तो भाई दिल्ली मेट्रो से आके रैपिड मेट्रो का वेट हो रहा है, रैपिड मेट्रो यहाँ पे पद मेरे को लग रहा है 10-12 मेट्रो यहीं पास। ठीक है भाई, भाई क्या है ये देखो स्मार्ट ही बॉय भाई। तो रैपिड मेट्रो आएगी अब, मेरे को लग रहा है हरियाणा वालों के पास कम मेट्रो है और दिल्ली वालों के पास बहुत ज़्यादा। वेटिंग फॉर द मेट्रो। वो आ गई सामने से मेट्रो, अब ये छोड़ देगी मारू क्या, अब ये घर के पास में छोड़ देगी। भाई अपन पहुंच चुके बाइक के बिल्कुल पास में, ये देखो ये आगे गली है, इस साइड घर है, और ये देखो बिल्डिंग DLF की है, और ये गली पूरी रात शाम को लग जाती खाने 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 खाने। भाई गया उधर एक मिनट, ये है गुड़गांव। तो ये जितनी बिल्डिंग्स यहाँ पर है ना, शायद तक यादव प्रॉपर्टीज ही है जितनी भी यहाँ पर। तो ये शुरू हो चुका है साइबर हब, बिल्कुल सीधा ये DLF की बिल्डिंग्स है सारी ऑफिसेस। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का ही ट्रेंड है क्या? नहीं मैं बोल रहा हूँ हिंदी नहीं, ये जितने भी दिखते हैं कोई इंग्लिश बोलते ही दिखते हैं। तो देखो भाई लुक्स वही वाला है क्या हमारा वाला? तो ये देखो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे खाना पीने की है ज़्यादातर, ये खेलने का। इतने समय क्या खेलेंगे भाई छोटे समय? भाई अजय चोपड़ा कोई शेफ है क्या बड़ा? हाँ भाई देखो इसको, देखो कितना मजा आ रहा है भाई, ये देखो इसको क्या हुआ। तो भाई ये अंदर से साइबर अब। तो भाई हल्दीराम से तो निकल चुके हैं, उसके बाद डेजर्ट खा रहे हैं हम मैकडोनल्ड की। क्या नाम है भाई इसका आइसक्रीम का? मैकफ्लरी। तो अभी फर्जी कैफे दिखाते हैं आपको। तो भाई ये आ गया फर्जी कैफे, यही पे शूट हुआ था भाई, और एक ग्रीन चिलीज चायोस। यही शूट हुआ था वो झूठी में मकार में सीन, तो अब चलते सीधा घर पे। भाई ये पुल है ना, जिसको देखो हाईवे के ऊपर से निकलता है, फुल तेज स्पीड से गाड़ियाँ निकलती है। देखो दिखाऊं मैं आपको पूरा, ये पुल सीधा बाइक के उधर घर के आगे से, और ये देखो ये पूरा हाईवे निकल रहा है नीचे से, तो इसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। ये इतना लंबा है वहाँ से उधर एंड तक।
तो अभी इसको पार करके उधर तक घर तक पहुंच जाएंगे वापस। तो मैं अब सीधा घर मिलता हूं आपसे। भाई घर पहुंच चुके हैं अब हम, और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूं मैं। तो एंड करते हैं आज का व्लॉग। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया छोटा सा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग पर, जब तक के लिए बाय बाय।